हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स। जो चैप्टर होगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका एक्सरसाइज 3.4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो वीडियो को देखने का जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, जो क्वेश्चन, उसको आप पॉज कर देंगे, उसके बाद पहले आप ट्राई करेंगे, फिर मेरे वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे और मैच करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, या आप अपने से बना लें तो अच्छी बात। आप पहले ट्राई कर लें, आपसे बन गया तो आगे बढ़ जाएँ उस क्वेश्चन के वीडियो को, मतलब उस ड्यूरेशन को ना देखें, या आप चाहें तो मेरे वीडियो को देखें और अपना वाला सॉल्यूशन के साथ मिलाएं कि कौन सा बेटर है उसको फॉलो करें। बात समझ आ रही है? और अगर आप खुद करके नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप वीडियो सॉल्यूशन को देख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मतलब पहले आप ट्राई करें पॉज करके। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपके पास ग्राफ होना चाहिए, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको कैसे कैसे करना है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? ग्राफ। ठीक है, एकदम कॉपी। हाँ, पहली बात आपके पास बुक होनी चाहिए, ये वाली किताब। ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, यूँ ही ऐसे मत बैठ जाइए, आप बुक में क्वेश्चन को पढ़िए, इसको बोलते हैं पढ़ाई एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ऐसा लगे कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए ग्राफिकली, तो आपके पास ग्राफ कॉपी होना चाहिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, 2x + y = 6, और दूसरा क्या है हमारा, 2x - y + 2 = 0। ये फर्स्ट मान लेते हैं इसको, सेकंड, इन दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन को अगर हम देखें, क्या है हमारे पास, 2x + y = 6। इसमें आप इतना तो कर ही सकते हैं कि x और y का वैल्यू पुट करें। x अगर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो y कितना आएगा, 6। y 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, 2x = 6, तो x कितना आएगा, 3। आई थिंक सो, आई बिलीव कि आप जो हैं 10th क्लास के वो सारे इतना समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए, इसका ग्राफ बनाए। आप एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लें। ठीक है, मैं 2 पॉइंट्स लेके कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ, है ना। इसके बाद क्या होगा, 0, x कहाँ तक जाएगा, 3 तक, 1 2 3, y 6 तक, 1 2 3 4 5 6, है ना। x0 y6, तो यहाँ पे होगा x0 y एक्सिस, y0 x3 यहाँ पे होगा। तो इसको मैं ग्राफ इसका बना ही लेता हूँ। ये ग्राफ हो गया हमारा 2x+, या फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक, दूसरा क्या होगा बताइए, स्ट्रेट लाइन होगा, नो डाउट, 2x - y + 2 = 0, 2x - y = +2, इस पर जाएगा तो -2। इसका भी हम क्या बना लेते हैं, एक बॉक्स, x0 y क्या हो जाएगा, -y = -2, तो y2 आएगा, y0 तो 2x = -2, तो 2 कैंसिल, ये -1 आएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं, आप पुट करके देख लीजिए खुद, है ना। यहाँ पे क्या होगा बताइए, मैं फिर बता दूँ, देखिए y0 हमने पुट किया तो 0 हो गया ना, 2x = -2, तो 2 कैंसिल, या -1 आएगा ना। इतना मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे x0 y - 1, ठीक है, 0 - y2 तक जाएगा तो मिल जाएगा, x0 y2 यहीं पे होगा, और x - 1 y0, तो हमारा जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। सेकंड, पहले ग्राफ बनाना था तो मैं ग्राफ बना लिया, अब सवाल क्या कह रहा है फिर देखते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, एरियाज़ का रेशियो निकालना है, कौन सा एरिया, बहुत सारे पार्ट्स यहाँ दिख रहे हैं, ऑफ द टू ट्रायंगल्स फॉर्म बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस विद द एक्स एक्सिस, विद द, देखिए इसका किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ये दोनों मीट करके ये एक्स, ये वाला रेशियो होगा किसके साथ, ये हो गया एक्स के साथ,
इसको एरिया वन मान लेते हैं। दूसरा एंड द लाइंस विद द वाई एक्सिस, वाई के साथ ये वाला, इसको हम मान लेते हैं एरिया टू। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया वन और एरिया टू का रेशियो क्या होगा। लेकिन हमको तो ये पता करने की ज़रूरत होगी क्योंकि हमको हाइट चाहिए होगा ट्राइंगल का। वो कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए हम ग्राफ का सहारा लेंगे। तो ग्राफ में आप जब प्लॉट किए हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जहाँ मीट कर रहा है वहाँ पे x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 4 है। मतलब ये जो हाइट आपको दिख रही है ना, ये हाइट आप बनाइए इसको, ठीक है, ये 4 यूनिट है और ये जो हाइट दिख रही है 1 यूनिट। हम इसको कैसे समझें? हम इसको यूँ समझिए कि दोनों को अगर सॉल्व करें, किस किस को, हमारे पास 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 है। वैसे ऐसे बोला नहीं है, ग्राफिकली बोला है। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो y y कैंसिल, तो 4x इज़ इक्वल टू 6 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4। तो x कितना आया, 1। तो x यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे x पुट कर देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 इंटू 1 2, तो y इज़ 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो x 1 आया और y 4 आया, मतलब ये जो हाइट आया ये कितना, 4 आई और ये हाइट 1 है, ठीक है। एरिया 1 कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, 1 2, इधर 3 और 1 4, 4। और हाइट कितनी है आपकी, देखिए जो वाई का वैल्यू 4, 2 2 4 कितना आया, 8 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया 2 कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका, ये 1 2 3 4, और हाइट कितनी है, 1, समझ रहे हैं। तो 2 2 4 कितना आया, 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये कितना आया, 8 स्क्वायर यूनिट्स। हमको क्या चाहिए, एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो। एरिया 1 कितना आया, 8, और एरिया 2 कितना है, 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4:1, और आंसर आप मैच कर लीजिए, आप ग्राफिकली करें, ठीक है। मैंने समझा दिया, आपके पास ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड नंबर में, डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। इसमें क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स, दूसरा क्या है, 3y इज इक्वल टू एक्स, तीसरा क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इन तीनों का पहले आपको ग्राफ बनाना है, उसके बाद उनके मीटिंग पॉइंट्स की वजह से मिलाने से फिर क्या बनेगा, हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ग्राफिकली बोला है, वैसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपको ग्राफ समझाना मेरा मकसद है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स, तो सिंपल सी बात है, वाई इक्वल टू एक्स में क्या होगा, एक्स और वाई, एक्स अगर 0 लेंगे तो वाई 0 होगा, एक्स अगर 5 लेंगे तो वाई कितना होगा, 5। 1 1 भी ले सकते थे। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। आप ध्यान दें, जब भी ग्राफ बनाएं, जिस पेज में बनाएं वो उसका साइज़ के हिसाब से आप कोशिश करें कि पूरे ग्राफ में पूरा ग्राफ बने। मतलब ऐसा नहीं कि एक कोने में बस बन गया और पूरा ग्राफ का पेज खाली रहा। तो आपको यूनिट उस तरह से सेलेक्ट करना है, ये एक्स, एक्स डैश, ओरिजिन, वाई, सब लिखना चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ज़रूरत की सबसे और ऊपर जाएंगे हम लोग। एक्स 0 वाई 0 ऑरिजिन से पास कर रहा है, एक्स 5 वाई 5, आपको 3 लेना चाहिए, मैं 2 लेके काम चला रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, तो इसको मिला देते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। इसका ग्राफिक लिए है अलजब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या है हमारा, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या है हमारा, 3y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका भी वही हाल होगा, एक्स वाई, एक्स 0 वाई 0 होगा, वाई एक्स बाई 3। एक्स अगर 3 लें तो वाई 1 आ जाएगा, या 6 लें तो वाई क्या हो जाएगा, 3 2 6, 2 आ जाएगा। तो एक्स 0 वाई 0 यहीं पे, एक्स 6 और वाई 2, ठीक है।
अब इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है लेकिन ये कुछ इधर जा रहा है, ये हमारा सेकंड वाला हो, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड, ओके। नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, क्या बोलिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, अगर इसमें x ज़ीरो लें, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, तो y 8 आएगा, y ज़ीरो लें तो x 8 आएगा, तो थोड़ा सा और हमें ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे 7 8, और यहाँ पे भी राइट जाना, 7 8, तो x ज़ीरो y ज़ीरो, x ज़ीरो y 8 यहाँ पे, और x 8 y ज़ीरो, मैं सही बना रहा हूँ, एक बार मुझे भी चेक कर लेना चाहिए, सही है। अब इसको कहाँ से मिलाएंगे, ये 8 रेड ले लेते हैं वैसे, किसको मैच कर रहे हैं पता नहीं, ये आपको ग्राफ से समझ आएगा, क्योंकि मैं तो एक रफ में बना रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ मीट करेगा, आई थिंक 6 2 में मीट करेगा, तो देख लिया जाएगा। एक्स 6 अगर लें तो वाई 2 आएगा, बिल्कुल सही, ऐसे भी समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब ये ग्राफिकली समझ आ गया। अब ये जो तीनों की जो मुलाकात हुई, देखिए ये ऐसे कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है, मतलब एक पॉइंट तो हमको समझ आ गया, एक ये वाला होगा, एक पॉइंट तो मिल गया हमारा आंसर 0,0, दूसरा पॉइंट यहाँ से निकालना पड़ेगा, तीसरा यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये ग्राफ से आपको दिख रहा है, ग्राफ से 4,4 हमें भी तो दिख रहा है, इतना रफ बनाने के बाद भी समझ आ रहा है, समझे, तो आपको ग्राफ में तो एग्जैक्टली समझ आएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 6,2, ग्राफ में आपको एग्जैक्टली नज़र आएगा। लेकिन बोलिएगा कि अगर ग्राफ ना बनाएं तो कैसे करें, सिंपल सी बात है। आप देखिए यहाँ पे जो आपका मीटिंग पॉइंट है किसका, थर्ड का, और ये किसका, फर्स्ट का, तो फर्स्ट और थर्ड को आप सॉल्व कर लें। फर्स्ट क्या है हमारा, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और थर्ड क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्सेस ख़त्म, 2y इज इक्वल टू 8, तो y कितना आया 4, जब y 4 आया तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे सेकंड में पुट कर दिए, x कितना आ गया 4, अब आप खुद देखिए x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4 आ गया ना, ये मैच कर गया। तो ये जो आपका मेथड है, दिस इज अलजेब्रिक मेथड, कौन सा मेथड बताइए, अलजेब्रिक मेथड, ओके। ठीक है, तो ये जो आपका मेथड है जो दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज़ अलजेब्रिक मेथड, 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो वही ना आएगा, उसका 6,2 कैसे आया, तो आपको देखना है थर्ड और कौन, सेकंड, तो थर्ड क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और सेकंड क्या है, 3y माइनस x इज इक्वल टू 0, x इज ख़त्म, 4y इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से y कितना आएगा, y 2 आया, यहाँ पे पुट कर दीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो x यहाँ से कितना आएगा 6, देखिए 6,2, x 6 y 2, और इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट और किसको सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे 0,0 दिख ही रहा है तब भी, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू x, और सेकंड क्या है हमारा, 3y माइनस x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर जोड़ दें तो घटा दें अगर, या माइनस या प्लस, एक्स एक्स क्या हो जाएगा ख़त्म, 3y वाई माइनस करके माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कितना आएगा 0, y 0 पुट कर दीजिए, तो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से x भी कितना आएगा 0, मतलब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x 0 y 0 आ रहा है, मतलब दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या है 0,0। तो एक अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, दो दो इक्वेशंस को सॉल्व करते जाइए, उसका मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा, वही उसका क्या होगा, कॉर्नर होगा, वर्टेक्स होगा, मतलब वो जो ट्रायंगल बनने वाला है उस ट्रायंगल का वन ऑफ द वर्टिसेस होगा, इस तरह से दो और वर्टिसेस निकाल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके एक वर्टेक्स, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके एक वर्टेक्स, और थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करके एक वर्टेक्स, ठीक है। लेकिन आपको चूंकि ग्राफिकली बोला है तो आप ग्राफ में बनाएं, जब मेरा रफ करके एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो आपका जब एग्जैक्टली ग्राफ में बनाएंगे तो कितना मज़ा आएगा आपको, ठीक है, ग्राफ में ज़रूर बनाएं। थर्ड नंबर, थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, पहले ग्राफ लेके ही पढ़ाएं, x इज इक्वल टू 3,
एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इनके ग्राफ्स ड्रा करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाई द लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। इन तीनों लाइन्स और एक्स एक्सिस खुद ही एक लाइन है, इनका जो कॉमन मतलब जो वर्टेक्स को मिला देंगे तो फिर क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। समझ आएगा, जैसे अभी ट्रायंगल बना था चार से क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल है ना। तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मांगा है आई थिंक, हाँ एरिया मांगा है। ठीक है, पहले इनके ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। इसको फर्स्ट सेकेंड एक्स इज इक्वल टू थ्री इसको मान लेते हैं, ये फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू फाइव ये सेकेंड है। ईजी है, इसमें कुछ पुट ही नहीं करना है। एक्स थ्री है तो आप समझ ही रहे हैं, ये एक्स ओरिजिन एक्स डैश, वाई ओरिजिन वाई डैश। जब एक्स थ्री होगा तो एक्स कांस्टेंट है, जब एक्स कांस्टेंट होगा दिमाग में बैठा लें वाई के पैरेलल होगा। नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि सर मुझे ये भी नहीं समझ आता है तो मुझे इसके थ्योरी को बताना पड़ेगा। ठीक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो एक्स थ्री, एक्स थ्री मतलब किसके पैरेलल बताइए, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस के पैरेलल। ये कौन सा वाला हो गया फर्स्ट, सेकंड क्या बोलिए, एक्स फाइव ये भी वाई के पैरेलल, ये सेकंड हो गया। ठीक है, देखिए मैं हर जगह एरो दे रहा हूँ क्योंकि लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है तो आपको एरो देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, फोर को उस पार कर देते हैं, ये हमारा थर्ड हो गया। इसके भी कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, एक्स ज़ीरो लें अगर तो वाई क्या आएगा, निगेटिव फोर। वाई ज़ीरो लें तो एक्स क्या आएगा, टू, टू टू ज़ा फोर, ये तो ज़ीरो हो गया। एक्स ज़ीरो वाई निगेटिव फोर, ये निगेटिव वन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा, मुझे कैमरा भी देखते रहना पड़ता है, ऐसा ना हो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनी नहीं रहा। तो एक्स ज़ीरो वाई निगेटिव फोर क्या हो जाएगा, एक्स ज़ीरो वाई निगेटिव फोर यहीं पे होगा और एक्स टू वाई ज़ीरो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसको अगर मिला दें, इसको मैं कर लेता हूँ किससे, ग्रीन से। बढ़िया नहीं बन रहा है ना, सही तो कर रहा हूँ ना मैं, सही तो कर रहा हूँ, इसमें कोई शक की बात है नहीं। ठीक है, अब ये मीटिंग पॉइंट होगा, ये मीटिंग पॉइंट होगा, ये दोनों हमारा एक x2 है x3 है और ये थर्ड वाला, इन तीनों का और x एक्सिस के साथ जो हमारा मिलन है, जो कॉमन एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला। इसी एरिया का क्या निकालना है हमें, हाँ समझ रहे हैं, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लिए। पॉइंट्स को तो नहीं बोला बट पॉइंट्स तो हमारा वैसे भी निकल जाएगा, ये एक्स फाइव वाई ज़ीरो, ये क्या होगा बोलिए, एक्स थ्री वाई ज़ीरो। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये हमारा क्या है, ये हम देखते अगर ग्राफ में तो समझ आ जाता, वन टू, अब पता नहीं क्या होगा मुझे नहीं पता। तो फर्स्ट और ये क्या है थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड क्या, एक्स बराबर थ्री, यहाँ x बराबर थ्री पुट कर दें, टू इंटू थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, दैट इज़ माइनस वाई बराबर तीन दूना छः, चार में छः गया निगेटिव दो, तो y कितना आ गया दो, बिल्कुल सही है, यहाँ पे दो में ही मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x तीन y टू, ये कितना होगा, फाइव पुट करना पड़ेगा, टू इंटू फाइव माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, चूँकि यही वाला लाइन उसको मीट कर रहा है ना थर्ड सेकेंड को, तो माइनस वाई बराबर चार पाँच दस, चार में दस गया तो वाई कितना आया सिक्स। ग्राफिकली देखेंगे तो ये यहाँ पे मीट कर रहा है, तीन चार पाँच छः, तो ये हो गया एक्स फाइव वाई सिक्स। ठीक है, जो भी हो समझ तो आ ही गया, लेकिन ये जो लेंथ है हमारा ये कितना होगा सिक्स यूनिट्स और ये लेंथ कितना होगा टू यूनिट्स। ठीक है, हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो हाफ इंटू, क्योंकि बन किया गया है ट्रेपेजियम, ये होता हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो गया टू और ये क्या हो गया हमारा सिक्स, तो टू प्लस सिक्स और इनके बीच का जो हाइट है वो कितना, एक और एक दो, दो दो कैंसिल, ये इतना आया आठ स्क्वायर यूनिट्स, मतलब मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर आंसर आएगा, क्या आंसर आया बोलिए, आठ स्क्वायर यूनिट्स।
इसको मी मतलब मिला लेते हैं, सही है ना। तो ये आया हमारा, एक तो 004462 इससे पहले आया था, मैं चेक भी नहीं किया, ये 8 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बताया था इससे पहले वाला वो सही आया होगा, ठीक है। उतार लीजिए, डन, ओके, चलें आगे। बहुत बढ़िया, तो थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंस एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस इज ₹100, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द अबव सिचुएशन फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, वो तो हम बनाएंगे ही। मान लेते कॉस्ट ऑफ अ पेन, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू रुपया में मान लेते हैं एक्स, रुपया ही तो दिया हुआ है, रुपीज़ है ना। कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल तो नहीं है ये, पेंसिल बॉक्स रुपया वाले, कितना 4 पेंस, मतलब 4 पेंस का कॉस्ट 4x, अरे एक पेन का कॉस्ट x, 2 पेन का 2x, 3 पेन का 3x, 4 पेन का 4x, और 4 पेंसिल बॉक्सेस तो ये हो जाएगा 4y, ये मिलके 100 रुपया हुआ। 4 कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा थोड़ा, 100 कैंसिल हो जाएगा 25, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन का जो कॉस्ट का जो 3 टाइम्स है, इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स, 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, सिंपल। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 आ गया, फ्रेम हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, आसान क्वेश्चन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन लेंदी थे। वाई वाई कैंसिल, 4x कितना हो जाएगा 40, x कितना आ गया 10, जब x 10 आ गया यहाँ पुट कर दीजिए, 10 प्लस वाई, आप चाहें तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 इस तरह से लिखें, ये मैं तो यही मत आप कॉपी कर लें, आप अपने से करें। 25 माइनस में कितना होगा 15, मैं तो आपको पहले ही कहूँ, आप पहले ट्राई करें, 10 और 15 तो 10 रुपया और 15 रुपया, ठीक है। 10 रुपया कॉस्ट किसका आया, पेन का और पेंसिल के बॉक्स का 15 रुपया, वैसे सिर्फ पेंसिल का दाम कम होना चाहिए, हमको नहीं पता पेंसिल बॉक्स में कितने पेंसिल्स हैं, मैं नहीं जानता तो कैसे बताऊँ आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं, जैसे 4 पेंसिल 4 पेंस का, एक पेन का 10 रुपया कॉस्ट आया, 10 × 40, और एक पेंसिल बॉक्स का 15 × 60, 40 × 60 कितना 100, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे 5, डिटरमाइन ग्राफिकली अलजब्रिकली द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल, अलजब्रिकली बोला ये अच्छी बात है, टेंशन ही खत्म हो गया हमारा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, उसके बाद x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो मज़े की बात ये है कि इसमें अलजब्रिकली बोला है, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, मतलब इसको सॉल्व करें, अगर ये सॉल्व हो जाए तो वो जहाँ मीट करेगा वो एक वर्टेक्स हो जाएगा ट्रायंगल का। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, 3 से इसको 1 से, 3 × 3 = 9x माइनस 3y 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, हमने इसको घटा दिया, ये ख़त्म, 9 में 2 गया कितना 7x बराबर 7, x कितना आया 1, x 1 आया, यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो 3 × 1 3 माइनस y इज इक्वल टू 3, 3 × 1 3, तो माइनस y बराबर 3 माइनस 3, तो माइनस y बराबर 0, तो y यहाँ से 0 आया, तो एक हमारा तो मिल गया 1, 0, एक वर्टेक्स मिल गया। ट्रायंगल बनेगा कि नहीं पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि तीनों के यूनिक सॉल्यूशंस है कि नहीं, जो तीन इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे, तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो एक हमारा सही आ रहा है क्या, 1, 0, बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छा, मैच भी कर लेते हैं, चूँकि मेरे कॉपी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, 1, 0 सही है। अब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं, सेकेंड क्या है हमारा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, आप ख़ुद भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से कर दे रहे हैं, यहाँ पे 1 से, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस
4y इज़ इक्वल टू 16 घटा दे रहे हैं तो कैंसिल हो गया, माइनस 7y बराबर माइनस 14, तो y बराबर कितना है 2, तो y 2 आएगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं किसी में भी, x प्लस 2 इंटू 2 4 होगा, 8 में 4 गया 4, दैट इज़ दूसरा वर्टेक्स आया हमारा 2.4, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो 2.4 बिल्कुल सही नहीं है, 4.2 सही है भाई, क्योंकि x पहले लिखेंगे ना, y पहले आया उससे क्या मतलब है, हमें लिखना पड़ेगा x, y, तो x 4 आया और y 2 आया, एक आप करें पॉज करके। चलिए अगर कर लिया तो अच्छी बात है। तीसरा किस किस का करना पड़ेगा, 3x - y इज इक्वल टू 3 और x + 2y, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ग्राफिकली भी हम लोगों ने देखा इसको कैसे बनाते हैं, इसको 2 से गुना कर दे इसको 1 से, तो क्या हो जाएगा 3x - 2y इज इक्वल टू 6, एक ये आंसर हुआ एक वो आंसर हुआ, ठीक है, x + 2y इज इक्वल टू 8 जोड़ेंगे ख़त्म, 4x 8 6 14, गलत हो गया ना, 3x - 2y 6, यहाँ 3 × 6x होगा ना, 6 कितना होगा 7x, यहाँ से x कितना आ गया 2, x 2 आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए 2 + 2y इज इक्वल टू 8, तो 2y 8 में 2 गया 6, तो y कितना आ गया 3, तो एक और पॉइंट आ गया x 2 y 3, तो क्या क्या पॉइंट्स हुआ बताइए, 1.0 2.3 और 4.2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ओके तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू अवर होम, सही था ना मेरा आंसर, फिर देख लीजिएगा आप, ना अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू अवर होम है ना, 14 किलोमीटर उसका घर है, मतलब उसकी घर यहाँ से वो जाना चाह रही है उससे दूरी, पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस, शी टेक्स हाफ एन आवर इफ़ शी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर्स बाय रिक्शा, टोटल 14 किलोमीटर है, दिमाग में रखिए टोटल 14 किलोमीटर है, और लास्ट में क्वेश्चन में क्या मांगा है, फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड बस, तो लेट स्पीड ऑफ रिक्शा इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, लिख दीजिएगा आप यूनिट, लिख दूँ, और स्पीड ऑफ बस वाई किलोमीटर पर आवर, टोटल 14 किलोमीटर जाना है उसको, 2 किलोमीटर वो रिक्शा में चल रही है, एक फार्मूला आपको याद रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम क्या होगा बोलिए, डिस्टेंस बाई स्पीड, ये आपको दिल और जान से याद रखना है, तो फॉर्मूला पता ही होगा ना, टाइम यहाँ से निकल गया, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है हमारा 14 किलोमीटर टोटल है, बट रिक्शा से कितना वो ट्रैवल की 2 किलोमीटर, ठीक है 14 टोटल है लेकिन रिक्शा से कितना 2, बचा कितना, ये तो टोटल है ना, बचा कितना 12, मतलब 2 किलोमीटर वो रिक्शा से ट्रैवल करेगी और 12 किलोमीटर बस से, तो डिस्टेंस और टाइम का, सॉरी डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो टाइम देगा, तो डिस्टेंस कितना बताइए रिक्शा से 2 और स्पीड कितना है x, ये हो गया हमारा टाइम, प्लस अब बस से 12/y, लगता कितना है हाफ एन आवर, क्वेश्चन में कह रहे हैं, ठीक फिर बता दूँ ये समझ आया कि नहीं आपको, 2 किलोमीटर रिक्शा से, तो ये डिस्टेंस और स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग दिया टाइम मिला, 12 किलोमीटर बचे जो बस से है 12/y, ये बस वाला टाइम और ये रिक्शा वाला टाइम मिलके टोटल हाफ एन आवर लगा, तो ये घंटे में बात हो रही है तो घंटे में ठीक है, इसको रहने दीजिए। दूसरा क्या बोला है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, 4 किलोमीटर रिक्शा से अगर करी हो 4/x होगा, बचा कितना 10, तो 10/y, क्योंकि टोटल तो 14 किलोमीटर है ना, उसमें टाइम 9 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है, मतलब 30 मिनट्स लग रहा था, हाफ एन आवर का मतलब क्या हुआ 30 मिनट्स, अब कितना लग रहा है 39 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा 39/60, क्यों ऐसा किए, अरे पहले हाफ एन आवर था ना, हाफ एन आवर का मतलब ये कितना मिनट हुआ 30 मिनट्स, उसमें 9 मिनट और जोड़ दीजिए तो कितना होगा 39 मिनट, तो 39 मिनट को अगर आप घंटे में निकाल लें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आवर में यहाँ पे मिनट में अच्छी बात तो नहीं होगी,
इसलिए सबको मैंने आवर में कर दिया, क्योंकि ये सब में भी आवर की बात है। इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देना, 2 से इसको 1 से, तो क्या हो जाएगा 4 बाई एक्स प्लस 24 बाई वाई इज इक्वल टू 2 कैंसिल 1 आ जाएगा, 4 बाई एक्स प्लस 10 बाई वाई 39 बाई 60 ये कैंसिल हो गया, 24 माइनस 10 14 डिवाइडेड बाई वाई, 60 में 39 गया कितना हो जाएगा 21, ये हो गया 21 बाई 60, 7 दुना 14 7 21 ठीक है, ये 3 20 तो वाई कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, वाई में लगा हुआ था वैसे जो भी हो 40 किलोमीटर पर आवर किसका, बस का आया, वहीं से हम क्या निकाल लेते हैं एक्स का, 2 बाई एक्स प्लस 12 बाई 40 इज इक्वल टू 1 बाई 2, तीन चौक 12 चार तिया 12 चार दसंग 40, 2 बाई एक्स क्या होगा हाफ माइनस 3 बाई 10, 2 बाई एक्स 2 और 10 के साथ खुद ही कर सकते हैं, 5 में 3 गया 2 ये कैंसिल हो गया, एक्स कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब रिक्शा की स्पीड कितनी हुई 10 किलोमीटर पर आवर और बस की 40 किलोमीटर पर आवर, और इस सारे सिचुएशन को यहाँ पुट करके देख सकते हैं, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने जो भी किया वो सही है, ठीक है। मैं आंसर मैच करा लेता हूँ, 10 और 40 सही है, तो यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स इस्तेमाल हो, बेसिकली लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 7 नंबर, अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, है ना, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर में वो चल सकता है, ठीक है, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है, स्पीड इन स्टिल वाटर मैन की कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन नदी है तो पानी तो बहेगा, तो अगर वो अप स्ट्रीम मतलब उसके अपोजिट में तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मान लेते हैं स्पीड ऑफ है ना स्ट्रीम एक्स किलोमीटर पर आवर, एक ही वेरिएबल से बन जाएगा, ठीक है। अब जब वो अप स्ट्रीम में चलेगा तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम मतलब उसके ऑपोजिट चलना है, तो 5 में वो चल रहा है स्ट्रीम, उसको एक्स वापस करने की कोशिश कर रहा है, तो जो स्पीड आएगी नेट वो क्या होगी 5 माइनस एक्स, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना 40 किलोमीटर बोला है ना, और टाइम यहाँ से निकल के आएगा टाइम 1 मान लेते 5 माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 40 बाई 5 माइनस एक्स बराबर टाइम 1। उसी तरह डाउन स्ट्रीम का अगर लें डीएस मतलब यहाँ डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड क्या बढ़ा देगा ना नेट स्पीड और बढ़ जाएगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा, वही सेम 40 किलोमीटर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए बाई टी टू कितना होगा 5 प्लस एक्स, तो यहाँ से टी टू होगा 40 बाई 5 प्लस एक्स, और सवाल में कह रहा है अपस्ट्रीम में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड को और रोका जा रहा है मतलब कम किया जा रहा है, ठीक है। तो टी वन टी टू से कितना ज़्यादा है थ्राइस, तो सीधे 3 गुना कर देते हैं आप, तो टी वन है हमारा 40 बाई 5 माइनस एक्स बराबर 40 बाई 5 प्लस एक्स इंटू 3, 40 कैंसिल हो गया, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, 15 माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, 15 में 5 गया कितना होगा 10, माइनस 3 एक्स उस पार जाएगा तो क्या होगा 4 एक्स, एक्स आया 2.5 किलोमीटर पर आवर, किसका आया स्ट्रीम का, और आई थिंक स्ट्रीम का ही मांगा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, बिल्कुल सही है 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप पॉज करके उतार सकते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, सही है ये आंसर। एट में क्या कह रहा है, अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देखिए मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ,
मैं आपको एक मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे प्रोसीड करें। सब कुछ कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, कुछ गलती भी हो सकती है हमसे करते करते, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में एरर हो, लेकिन आपको मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप ख़ुद अपने से करने की कोशिश करें, इस लेवल तक मैं पहुँचा दूँ। इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं करा दूँ तो आप ख़ुद भी करें, आगे ट्राई करें। 8 नंबर है, मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न 5 इन 5, जो भी सब लिखा हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना, तब भी बता दे रहा हूँ। लेट द स्पीड ऑफ द बोट, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर वाटर नहीं चल रहा होता तो इसकी स्पीड कितनी, एक्स किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लेते हैं वाई किलोमीटर पर आवर। तो अगर बोट पानी अगर बह नहीं रहा होता तो बोट एक्स किलोमीटर पर आवर में चलता, और स्ट्रीम को अलग से मान लिया वाई किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम में घट जाएगा क्योंकि रोकने की कोशिश करेगा, डाउन स्ट्रीम में बढ़ा देगा। तो कह रहा है अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। देखिए टाइम का फॉर्मूला भी मैंने बताया, क्या डिस्टेंस बाई स्पीड, तो कितना 30 किलोमीटर बटे स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि अप स्ट्रीम कह रहा है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, अप स्ट्रीम में घट जाएगा तो x माइनस वाई, स्टिल वाटर में ये x किलोमीटर पर आवर चल रहा चाह रहा था, अब स्ट्रीम वाई है तो इसको घटा देगा, क्योंकि अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस बटे स्पीड क्या देगा, टाइम, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है 28, तो 28 बाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ा देगा, टोटल मिलके कितने घंटे हो जा रहे हैं, 7 घंटे। ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ठीक है। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 21 बाई x माइनस वाई, ये एक्चुअली क्या टाइम है, ये अप स्ट्रीम का टाइम है और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, प्लस रिटर्न हो रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने घंटे में, 5 घंटे में शायद, हाँ 5 घंटे में। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप लंबा चौड़ा तरीका भी ले सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको। 21, 28 का अगर LCM निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना भाई, आपको मिलेगा 84, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 3 से इसको 4 से, जानते होंगे आप, है ना, 30 * 90 / x - y प्लस 28 * 84, 7 * 21 क्या होगा, 21 * 84 / x - y प्लस 84 * x + y बराबर 5 * 20, वे घट जाएगा, ये हमारा कैंसिल, 90 - 84 कितना, 6 * x - y, 21 - 20 1, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आया हमारा, 6। अब इस x माइनस वाई इक्वल टू 6 को अगर हम यहाँ पुट कर दें, देखिए 30 * 6 प्लस 28 * x + y बराबर 7, 30 * 6 = 5, 28 * x + y बराबर 7 - 5, 2 आ जाएगा, 2 यहाँ 14, तो x + y = 14, दो इक्वेशंस आ गए, x - y 6 और दूसरा x + y 14। अब इसको सॉल्व करना है, 2x = 20, x आ गया 10, 10 किलोमीटर पर आवर लिख दीजिएगा अच्छे से, ये बोट की स्पीड है, तो y कितना हो जाएगा, 14 - 10 यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्ट्रीम की 4 किलोमीटर पर आवर सही है ना, और बोट की स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आप काउंटर चेक कर सकते हैं, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का वहाँ पे पुट करके, फिर अगर सही आ रहा है तो सही है, वरना आप जो बनाए वो गलत है, ठीक है, डन, ओके। टोटल हमारे पास और 5 क्वेश्चंस हैं, देखता हूँ कितना और वक्त लगता है, कितना लेंदी हो पाता है ये हमारा, कोशिश तो कर रहे जल्दी हो, लेकिन ज़्यादा जल्दी में आपको समझ ना आए तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, अ 2-डिजिट नंबर, 2-डिजिट नंबर मान लेते हैं एक्स वाई इस तरह से, है ना, यूनिट डिजिट में हमारा क्या है वाई, और टेंस डिजिट में क्या है हमारा एक्स है, तो टेंस डिजिट 10x + y, जानते होंगे जैसे 32 है तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई, 1 से, और 3 को किससे, 10 से, ये 30 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 30 + 2 = 32, मतलब टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 डिजिट को 1 से, तो y * 1 तो y ही ना होगा, तो इसी तरह से मैंने कुछ किया,
है ना, नंबर को हमने एक्स वाई मान लिया इस तरह से, मल्टीप्लाइड नहीं है, एक्स वाई नंबर है जो 32 है, तो ये 10x प्लस वाई आया। नंबर ऑब्टेन बाई आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाई 8, क्या कह रहा है ना, ये जो नंबर है 10x प्लस वाई, इसको कैसे मिल पा, ये कैसे मिल रहा है, ये जो डिजिट्स है इसका सम को 8 से गुना करना है और जो रिजल्ट आएगा, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, और इसमें 5 घटाना भी है, मतलब ये जो नंबर है ये ऐसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उनके डिजिट्स को जोड़ के 8 से गुना करके जो रिजल्ट आएगा उसमें 5 घटा देंगे तो वही नंबर आएगा जो नंबर आपका है। गजब बात है भाई, बाद में चेक कर लीजिएगा। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 8y माइनस 5, या 8x इस पार आएगा तो 2x, या 8y इस पार आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा बराबर नेगेटिव 5। इक्वेशन आई थिंक सही आया है, मैं चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा लिख के भी आता हूँ नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, और कैसे मिल सकता है नंबर, और बाई मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाई 16, मतलब ये जो नंबर है मान लेते हैं यूनिट्स डिजिट ही, 10 डिजिट ही ज़्यादा है, तो इसका जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को, इस डिफरेंस में है ना, इसमें क्या है मल्टीप्लाई करना है 16, इसका 16 टाइम्स, इसका 16 टाइम्स में कितना 3 ऐड करना है, तो ये नंबर मिल जाएगा। तो 10x प्लस वाई 16x माइनस 16y प्लस 3, सॉल्व करना है बस, आगे तो जानते ही हैं आप, 10 में 16 गया माइनस 6x, वाई प्लस 16 कितना 17y बराबर 3, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, इसको यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व, इसको 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 7 21y, ये कितना माइनस 6x, ऐसा नेगेटिव 6 से कहना अच्छा है लेकिन अभी काम चला रहे, कैंसिल हो गया, 4y 3 माइनस 15 कितना हो जाएगा 12, तो y कितना आ गया 3, तो x कितना आ जाएगा, कहाँ से लें भाई, कहाँ से यहीं से ले लेते हैं, तो 2x माइनस 7 इंटू 3 नेगेटिव 5, 7 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा 16, एक्स कितना आ गया 8, तो हमारा नंबर क्या एक्स वाई दैट इज़ 83, ये आंसर हुआ। वह खुद देख लीजिए, इसको जोड़िए 8 और 3 कितना 11, 11 8 88 माइनस 5 83 आएगा, मतलब वही बात हो गई, इनके डिजिट्स को जोड़ के अगर आप 8 गुना कर दें, 8 टाइम्स कर दें, उसमें 5 घटा दें तो वही नंबर मिल जाएगा। ओके, अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस बचे, 10 11 12 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। एट्टी थ्री सही है ना हमारा, फिर बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, कोई शक ही नहीं भाई, हाफ टिकट का जितना फुल फेयर उसका आधा लगेगा, लेकिन इसमें ख़ास बात, क्या ख़ास बात है, बट द रिजर्वेशन चार्जेज आर सेम ऑन हाफ टिकट एंड एज वेल एज ऑन अ फुल टिकट, समझ रहे, मतलब जो हाफ टिकट में रिजर्वेशन चार्ज लगेगा, एक रिजर्वेशन चार्ज अलग होता है जब रिजर्वेशन करते हैं, वो फेयर, जैसे आप एडमिशन लेते हैं किसी स्कूल में, एडमिशन फ़ी अलग है, ट्यूशन फ़ी अलग है, एडमिशन फ़ी तो सबके लिए सेम लग रहा है, हो सकता है ट्यूशन फ़ी आधा कर दिया आपका, बट एडमिशन फ़ी आधा नहीं कर सकता, हो सकता है करे आप पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो रिजर्वेशन चार्ज है वो हाफ़ के लिए और फुल के लिए दोनों के लिए सेम है, और रेलवे, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ा, फाइंड द फुल फास्ट फर्स्ट क्लास फेयर, तो मान लेते हैं लेट फुल फर्स्ट क्लास फेयर, फर्स्ट क्लास का जो भाड़ा है वो कितना है एक्स रुपया है, और रिजर्वेशन चार्ज को हमने कितना मान लिया वाई। तो सवाल में कह रहा है रेलवे हाफ टिकट, तो हाफ टिकट का कितना दाम होगा, जितना है उसका आधा, लेकिन उसमें रिजर्वेशन चार्ज तो जुड़ेगा ना, फिर कह रहा हूँ देखिए रेलवे में, मतलब आप जब हाफ टिकट काटिएगा तो ऐसा तो नहीं है ना रिजर्वेशन चार्ज नहीं दीजिएगा तो जाइएगा कैसे, फिर टिकट लेके कैसे क्या कीजिएगा, रिजर्वेशन चार्ज देना आपको ज़रूरी है। तो x बाई 2 हो गया आपका फेयर, उसमें एक्स्ट्रा रिजर्वेशन चार्ज जैसे टैक्स वगैरह लगता है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन चार्ज कह के एक्स्ट्रा लगता है, तो ये हो गया फेयर, ये रिजर्वेशन चार्ज, ये टिकट का पूरा दाम, और क्या बोला है कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्व, हाँ ठीक है, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास, सेकंड लाइन में आ जाए सेकंड सेंटेंस, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास, यहाँ पर मैं उल्टा कर दिया, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास, मुझे लगा वहीं से शुरू है, जो भी
रिजर्व फर्स्ट क्लास, एक्स तो भाड़ा है, वाई किसका रिजर्वेशन चार्ज है, ये पूरा फेयर हो गया रिजर्व फर्स्ट क्लास का, है ना। टिकट फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी वन रिजर्व्ड, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, मैं ज़्यादा ही पढ़ रहा हूँ अपने मन से। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास फेयर, तो एक्स तो हो गया फेयर, वाई उसका रिजर्वेशन चार्ज, टोटल मिला के कितना 2530, मतलब एक ही टिकट है लेकिन एक्स हो गया उसका भाड़ा और रिजर्वेशन चार्ज वाई हो गया। दूसरा में बोला है ऑल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, मतलब एक्स प्लस वाई ही है उसमें क्या होगा, एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, एक्स तो एक्स का हाफ क्या, एक्स बाई टू, बट रिजर्वेशन चार्ज दोनों का सेम है भाई। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास फुल फेयर, ये फर्स्ट क्लास हाफ फेयर, लेकिन वाई दोनों के लिए सेम है, क्यों, क्योंकि बोल दिया गया रिजर्वेशन कॉस्ट दोनों के लिए क्या है, बराबर है 3810 रुपया। इसको सॉल्व करना है बेसिकली, ऐसा करें अगर हम एक्स प्लस वाई 2530 पुट करते हैं थोड़ा आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू 3810, तो ये होगा एक्स बाई टू प्लस वाई, ये उस पार जाएगा तो 0 माइनस 0 0, 11 में 3 गया 8 और यहाँ पे 7 में 5 गया 2, ये 1280 आए, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 2530 है, एक्स बाई टू प्लस वाई बराबर 1280 है, घटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया, एक्स माइनस एक्स बाई टू, ये आएगा एक्स बाई टू, सॉल्व करेंगे तो 0 13 में 8 गया 5, 4 में 2 गया 2 में 1250, तो एक्स कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 2500, मतलब एक फर्स्ट क्लास फुल फेयर 2500 रुपये। तो वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए 2530 माइनस वाई, आई एम सॉरी एक्स, वाई निकलेगा, एक्स तो 2500 आया, इससे कितना लिखा 30, इससे पता चला रिजर्वेशन कॉस्ट कितना आया 30 रुपये, और एक फर्स्ट क्लास फुल फेयर का कितना दाम आया 2500। अगर हाफ क्लास फुल टिकट, हाफ क्लास मतलब हाफ टिकट का फर्स्ट क्लास का मांगे तो 1250 प्लस 30 1280 रुपये होगा, ठीक है। उफ़, बहुत नज़दीक पहुंच गए हम लोग, और 3 क्वेश्चंस हैं, ओके चलिए, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, ये 2530 आ गया हमारा। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स, पढ़िए आप अच्छे से, क्या कह रहा है बताइए, एक शॉपकीपर है, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है किसको, सारी एट 8% प्रॉफिट। जब प्रॉफिट की बात आए समझ जाइए कि कॉस्ट प्राइस को बेस मान के बात करी जा रही है, और जब डिस्काउंट की बात करें तो लिस्ट प्राइस की बात करी जा रही है। क्या मतलब है भाई, देखिए जब आपको बताया जा रहा है प्रॉफिट है, ये तो कस्टमर को नहीं बताया जाएगा, है ना, हमको बताया कि मैं कुछ बेच रहा हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट है, तो मैं कॉस्ट प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट बोल रहा हूँ ना या लॉस बोल रहा हूँ। लेकिन डिस्काउंट का मतलब जो प्राइस लिखा हुआ है, किसमें जो दाम लिखा हुआ है जब आप ख़रीदने जाते हैं चीज़ों को, उसमें डिस्काउंट देता है, वो जो प्राइस लिखा हुआ है उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं, डिस्काउंट ही होता है, अब काउंट नहीं होता है कि मतलब जितना है लिखा हुआ उससे ज़्यादा प्राइस ले रहा है, आज ऑफर है जितना रुपया उससे ज़्यादा लेंगे, ऐसा नहीं होता है, डिस्काउंट ही होता है बस, है ना। लेकिन इसमें जब कॉस्ट प्राइस को बेस मानते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में, और शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% लिखा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी, लास्ट में मांगा है कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, तो लिस्ट सॉरी लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू एक्स, रुपया में लिखते हैं, और लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर, क्योंकि स्वेटर में डिस्काउंट की बात करी जा रही है तो स्वेटर में लिस्ट प्राइस की बात होगी, डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में होता है और प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस में होता है। तो पहली बात करें शॉपकीपर सेल्स सारी एट 8% प्रॉफिट, मतलब जितना है उसमें 8% बढ़ा दिया, मतलब जितना दाम में ख़रीदा, जितना कॉस्ट आया उसको ख़रीदने में, वो बेच कितना है 8% ज़्यादा में, तो 100%, तो ओरिजिनल कितना 100% ही होता है ना। मैं बोलूँ अगर 100% ऑफ एक्स कितना आएगा, 100/100 × x आएगा, तो x ही ना, उसमें 8% ज़्यादा ले रहा है तभी तो फ़ायदा होगा, प्रॉफिट हो रहा है। और उसके बाद 10% डिस्काउंट में स्वेटर को बेच रहा है, तो स्वेटर का लिस्ट प्राइस वाई है, तो 90% में बेच रहा है, 10% घटा के, ये लॉस नहीं, ये लिस्ट प्राइस से दिया, कॉस्ट प्राइस का इसका पता नहीं है,
इसका मुझे लिस्ट प्राइस नहीं पता और इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता, ये दोनों मिल के कितना रुपया आ रहा है उनके पास, 1008। तो ये कितना हो जाएगा, 108x/100 प्लस 90y/100 बराबर 1008। ये 100 नीचे में एक कॉमन आके उधर चला जाएगा, 108x प्लस 90y बराबर 1800। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से इफ़ शी हैड सोल्ड द सारी 10% प्रॉफिट, बोल रहा है 10% प्रॉफिट हो तो 110% ऑफ एक्स होगा, और बोल रहा है 8% डिस्काउंट में अगर स्वेटर को बेचता तो 92% बेचता, 92% ऑफ वाई, तो कितना टोटल अमाउंट आता, 1028। थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ये हो जाएगा 110x प्लस 92y बराबर 1028, और ये 100 नीचे से उधर चला जाएगा, 00 इधर, ये सेकंड इक्वेशन है हमारा। ठीक है, अगर हम 110x सेकंड पहले लिख लेते हैं, 92y बराबर 1028 00, और ये 108x, चाहे तो आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा है ना, थोड़ा सा मुझे आप फॉलो कर लें, आप ये हम घटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2x 90 माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, वाई 2y इज इक्वल टू 0002 2000, दो कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 1000। तो बहुत ही सुंदर सा हमारा आ गया, अब इसमें पुट कर दे रहे हैं किसमें, पहला वाला, क्या हो जाएगा 110x प्लस पहला वाला ये ले लेते, ये ज़्यादा आसान होगा, प्लस दोनों में किसी भी पुट कर सकते हैं, वाई वाई कितना होगा, 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1008 00, तो 108x प्लस 90000 माइनस 90x बराबर 1008 00, तो यहाँ से क्या हो, 108 माइनस 90, 8 10 में 9 हो गया 1 18x, ये 90000 उस पर जाएगा, 1008 00 माइनस 90000, तो 18x बराबर 00, 8 में 0 गया 00, 10 में 9 गया 1, तो 18 6 के 108 600, तो x कितना आ गया, 600, दैट इज़ साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना आया, 600। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 600 कितना आएगा, 400 है ना, साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना आया, 600, और लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर आ गया कितना, 400। तो 600 और 400 आंसर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, उतार लीजिए, ओके। और दो क्वेश्चंस बचे और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको 60 मिनट्स, दैट इज़ एक घंटे में करें, देखते हैं क्या होता है। 12 नंबर, क्या कह रहा है ये, सुसन नाम है किसी का, सुसन, ये कर रहा है कि इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी, दो अलग अलग स्कीम में पैसे को लगा रहा है, विच ऑफर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली, शी रिसीव्स ₹1860 एज एनुअल इंटरेस्ट। तो ए में मान लेते हैं उन्होंने स्कीम ए में ₹X इन्वेस्ट किया और बी में वाई, तो बस यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट का सम दिया हुआ है जो एक्स्ट्रा उनको मिलेगा, टोटल नहीं, जैसे वो 108% कर रहे थे और टोटल था, तो यहाँ पे क्या है, 8%, दैट इज़ 8% ऑफ एक्स प्लस, दूसरा में मिलता है 9%, 9% ऑफ वाई, और टोटल मिलके जो इंटरेस्ट हुआ ये कितना, 1860, मतलब इंटरेस्ट का ही अमाउंट है, एक्चुअल में कितना दिया नहीं पता, वो तो निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 8x प्लस 9y 1860, और 00 यहाँ चला जाएगा, अभी किया हम लोगों ने इस तरह का। दूसरा क्या, हाउएवर हैड शी इंटरचेंज्ड द अमाउंट्स, अगर ये इंटरचेंज कर देता, मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, उल्टा पुल्टी कर देता, 9% इसमें मिलता, शी वुड हैव रिसीव्ड ₹20 मोर, अब क्या हो जाता बताइए, इन्वेस्टमेंट अगर उल्टा पुल्टा कर देता तो क्या होता बताइए, यहाँ मिलता उसको कितना, ए को वाई और बी को एक्स, उल्टा पुल्टी हो जाता इंटरेस्ट, यहाँ 9% हो जाता, तो 9x प्लस, मतलब चीज़ों को इंटरचेंज कर दिया, और यहाँ 8y, तो उसको ₹20 ज़्यादा मिलता है ना, तो 1860 नहीं मिलता, 1860 प्लस 20 मिलता, तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो ये वाला है, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ,
कह रहा है कि अगर फर्स्ट स्कीम में 8% और सेकंड स्कीम में 9% एनुअली मिले तो टोटल इंटरेस्ट 1860 हुआ। अब इंटरचेंज कर देने से 9 इधर आया एक्स, मतलब समझ रहे हैं, इंटरचेंज कर दिया 9 वाले के जगह एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, तो इंटरेस्ट वगैरह सब इंटरचेंज हो गया हमारा, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये ज़्यादा मिलता, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 8y। क्या कर दिया हमने, आई एम रियली सॉरी 9% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ वाई, इंटरचेंज करने से 1860 में 20 का इजाफा हुआ, तो ये होगा 9x प्लस 8y, तो 1800 कितना होगा 80 और 20 100 उधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इस तरह का जब भी आए तो एक बार जोड़ना चाहिए और एक बार घटाना चाहिए, तो क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा 8 9 17x 9 8 17x, जब भी ऐसा उल्टा पुल्टी रिजल्ट आए, इसको जोड़ के जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होगा 374000। 17 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 17 3, अब कॉमन लेके कीजिएगा, मैं थोड़ा सा 34000 तो x प्लस या वाई है, कितना आया 22000, सही है ना हमारा, सही। अभी वह घटा दे रहे हैं, 1 - 2 कर दे रहे हैं, 8 - 9 - x, 9 - 8 प्लस वाई, घटाने से जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -2000, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें, कौन कौन, x प्लस वाई बराबर 22000 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -2000, ये ख़त्म हो गया, 2y बराबर कितना हो जाएगा 20000, तो y कितना आ गया हमारा 10000, x निकल जाएगा, x निकल जाएगा कितना 22000 माइनस वाई 10000, कितना आया 12000। तो पहले स्कीम में 12000 का इन्वेस्टमेंट है और दूसरे स्कीम में 10000 का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब उसको आप काउंटर चेक कर सकते हैं जो सवाल पूछा है, 12000 और 10000 बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए हमारे पास 3 मिनट्स हैं, शायद उतना भी नहीं है, उसमें शायद ही हो पाएगा, तब भी देखते हैं, मिटाने में टाइम चला गया। 13 विजय हैड सम बनानास, है ना, कुछ उनके पास क्या है, बनाना है मतलब केले हैं। एंड ही डिवाइडेड देम इनटू टू लॉट्स ए एंड बी, है ना, लॉट ए है और लॉट बी है, लॉट ए में एक्स नंबर ऑफ बनानास मान लेते हैं और लॉट बी में वाई नंबर ऑफ बनानास मान लेते हैं, ठीक है। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनानास, 3 बनाना का कितना रुपया 2 रुपया, तो 1 बनाना का कितना होगा 2/3, तो एक्स बनाना का कितना होगा 2x/3, इतना सिंपल सी बात है, तो 2x/3 हो गया लॉट ए के बनाना का प्राइस। एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, एक का 1 रुपया ही ले रहा है, तो वाई का कितना होगा बोलिए, वाई का वाई इंटू वन वाई हो जाएगा, तो प्लस वाई, ये वाला आप तो समझ ही गए होंगे, है ना, टोटल मिलके कितना हो जा रहा है इसका, एंड गॉट ₹400 टोटल चार्ज, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा ही हैड, इफ़ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, वही सेम, तो एक का अगर 1 रुपया है तो x का कितना होगा 1x होगा, तो x रुपया प्लस, दूसरा का क्या बोला है बोलिए, ₹4 फॉर 5 बनानास, 5 बनाना का 4 रुपया, तो कितना हो जाएगा 1 बनाना का 4/5, तो y बनाना का, जो y की बात हो रही है, तो 4/5 गुना y 4y/5, तो ये प्लस 4y/5 इज इक्वल टू, टोटल कितना मिल रहा है इसको 460 रुपये। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसको 1 से इसको 5/4 से, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x/3 प्लस वाई बराबर 400, ये 5x/4 प्लस ये 4 ख़त्म 5 ख़त्म, तो वाई इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है 575, ये कैंसिल होगा, ये 575 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया वाई 2x/3 माइनस 5x/4, ये रिजल्ट आ रहा है हमारा -7x/12 इज इक्वल टू, इसको घटा के जो रिजल्ट आएगा ये आएगा हमारा -175। सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कहाँ डेटा अगर गलत दिखाऊँ तो, है ना, ये 300 आएगा,
एक्स 300 आया, उसके बाद पुट कर देंगे वाई निकल जाएगा, तो वही वाई कितना निकलेगा, वाई होगा हमारा 400 माइनस 2x बाई 3, तो 400 माइनस 2x कितना 300 बाई 3, ये 100 तो कितना हो जाएगा 200, 400 माइनस 200 कितना आया 200, एक्स 300 और वाई 200, तो नंबर ऑफ़ बनानास सेकंड लॉट में 200 हैं और नंबर ऑफ़ बनानास फर्स्ट लॉट में 300 हैं, लेकिन टोटल मांगा है, क्वेश्चन ने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास, तो आंसर हो जाएगा हमारा 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा 500, क्योंकि ये नहीं बोला है कि फर्स्ट लॉट में और सेकंड लॉट में कितना, बोला है टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, तो 500 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, थोड़ा लेंदी था लेकिन बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, और मैंने जो तरीका बताया वीडियो देखने का उस तरीके को आप ज़रूर अपनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।